किसाना दा देखो अजे उन्हां दी लड़ाई उसे तरह जारी है। मैं समझदा इन्हां ने तां सारे सिद्धांत तोड़ दिए, कोई सिद्धांत नहीं रखे अज तक। सुखबीर जिदन का प्रधान बनया उदन का कोई सिद्धांत नहीं है। साडा होर की लड़ाई साडी यही है कि सिद्धांत छड़ गए। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की सरप्रस्त हेठ जो अजकल गुरु घर च हो रहा है वह सिख सिद्धांतों के खिलाफ है। जो कुछ भी हो रहा है वह पहला कदे ही नहीं होया, क्योंकि पंथ विचों शेके हुए सुच्चा सिंह लंगाह वालों गुरुद्वारा श्री फतेहगढ़ साहिब शहीदां की पवित्र धरती से आके अखंड पाठ साहिब करवाना अते चोर साहिब की सेवा करने के मामले च श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों कोई ढुकवी कार्रवाई नहीं की गई है। दूजे पासे श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान बीबी जगीर कौर वालों सियासी और धार्मिक अहुदियां ते कब्जा होना सरासर गलत है, जो सीधे तौर पर सिख सिद्धांतों के खिलाफ है। इन्हां शब्दों का प्रगटावा श्रोमणी अकाली दल डेमोक्रेटिक पार्टी के सरप्रस्त सुखदेव सिंह ढींसा ने गुरुद्वारा फतेहगढ़ साहिब विखे नमस्तक होने तो बाद पत्रकार नाल गलबात करते हुए किया, क्योंकि उस दिन बहुत रश हुंदा है। मेरी उम्र भी नहीं, मेरे साथी कहणगे पहला आपां, क्योंकि गुरु महाराज के उन्होंने साहबजादियों शरदा के फुल पेंट करना साडा लाजमी सी। जिते असी उन्होंने शरदा के फुल पेंट किए हैं उत्थे अरदास भी की है कि गुरु महाराज किसानों भी इन्नी शक्ति देवे कि वो कामयाब हो के अपने मिशन में जाऊन। असी उन दोनों की मैं अरदास की है कि उन्हां दी शहादत है जिहड़ी वो साडे लई साडी कौम लई नहीं बल्कि सारी दुनिया लई एक इतिहास है, चानण मनारा है, और वो चानण मनारा इवें जिवें कायम रहे अज एक तां इह सी गल। बहुत उत्साह ने और बदल बदल के भी जा रहे ने, उन्होंने कोई वापस नहीं आ रहा बल्कि उन्होंने ऐड हो रहे ने। इस करके मैं अज भी सेंट्रल सरकार नूं मैं अपने पार्टी वालों भी अपने वालों भी बेनती करना चाहना कि हुण भी वक्त अजे भी कि उन्हां दा होर इम्तिहान ना लैण, उन्हां दे जिवें ओह कहिंदे ने कि उस तरह ही उन्हां दा मसला हल कर दो। पार्टी दा पहले दिन तो असीं उन्हां ने इक्को गल कही सी कि कोई पार्टी अपना फायदा ना उठावे। असीं इकली पार्टी है, मेरा ख्याल है कि असीं बायस पार्टी नहीं कितने गए, असीं सारे उन्हां नाल आए किसान साढ़े वर्करां नूं उधर तो गया। अज भी मैं एक बेनती की है, हुण दोबारा थोड़े राही भी करना चाहुंदा कि किसानां ने कहा कि एक रंग की रोटी घट्टो घट्ट ना खाण, वर्करां नूं मैं सोशल मीडिया राही भी कहा, हुण भी तुहाडे राही भी अपील करदा कि एक रंग की रोटी अज बिल्कुल घट्टो घट्ट एक रंग की रोटी खाण, उस वर्करां नूं करदे। और मैं समझदा कि साडी इकली पार्टी है जिन्हें बिल्कुल जिवें किसानां ने कहा असीं उस तरह नहीं बे। इसे करके है कि उन्होंने वो महसूस कर रहे हैं कि इन्होंने पहला होर स्टैंड लिया हुण उल्ट लेंदे ने, वो तो भुले नहीं हुण। किसान एक 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 जिहड़ा प्रधान है जिहड़ा सियासी पार्टी की अध्यक्षता कर रहा उन्होंने एक धार्मिक जथेबंदी का प्रधान लगा दिया गया, तुहानू इह तवीर है ना जी? बीबी जगीर कौर इस वक्त जी महिला विंग की भी प्रधान है, उन्होंने गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान चुने गया, थोड़ी लगता भी उन्होंने जी सियासत तो परे होकर जोड़ा है धार्मिक। मैं समझदा इन्होंने तो सारे सिद्धांत तोड़ते, कोई सिद्धांत नहीं रखे अज तक। सुखबीर जिदन का प्रधान बनया उदन का कोई सिद्धांत नहीं है। साडा होर की लड़ाई साड़ी यही है कि सिद्धांत छड़ गए, उस सिद्धांत को छड़ के एक पासे गए ने। हुण तुसीं देख लिओ आ होया तुहाडे सामने, तुसीं पुछोगे भी कि लंगाह दा किस दा किड्डा बड़ा वाकया हो गया कि अकाल तख्त साहब दा छेकिया होया आदमी आके उस जगह ते जिथे छोटे साहबजादे की शहादत हुई उत्थे अखंड पाठ करावे और आप चौर लैके उहदे उपर गुरु चौर करे, तो एदू वड्डी होर की गुनाह हो सकता? एदू वड्डी कोई SGPC गुनाह कर सकती है? लेकिन सानू दुख है कि उन्होंने कोई किसी किस्म का एक्शन नहीं किया SGPC ने। मैं अकाल तख्त के जथेदार नूं बेनती करना चाहुंदा कि जे तुहाडे च हिम्मत है नहीं तुसीं उन्हां नूं जिवें उन्हां नूं तुसीं
तनखाइया करार दिता सी उस तरह जी पी सी कस के कहो भी तुसी इन्हों का ये एक्शन करो नहीं एक्शन कर सकते नहीं उन्होंने गल चलती फिर उन्होंने उसे अकाल तख्त छड़ देना चाहिए। इस करके मेरी बेनती है तुहाडे राही कि जो कुछ होया वो बिल्कुल ही सिख सिद्धांतों के खिलाफ होया और अज तक इस तरह का कदे भी नहीं होया जो निगाह के केस हो महाराजा महाराजा रणजीत सिंह वर्गिया आके पेश होके माफी लेनी पई सी लेकिन वो फिर भी अपने आप ही जाके फिर करता रहे साहब के हुक्मनामिया इन बिन लागू नहीं करवा सकते और जो श्रोमणी कमेटी उन्होंने हुक्मनामिया वायोलेट कर रही है तो फिर उन्होंने भी बतौर प्रोटेस्ट जथेदारी तो अस्तीफा दे देना चाहिए या उन्होंने इन बिन लागू कराओ क्योंकि संगता विच संकेत ठीक नहीं जा रहा और बहुत भारी रोस है इस गल।